संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के रिलीज का समय नज़दीक आने के साथ ही विरोध भी उग्र होता जा रहा है। अब तक पुतला फूंक रहे हिंदूवादी और राजपूत संगठनों की ओर से अब सिनेमा हॉल संचालकों को धमकियां भी मिल रही है। इसको देखते हुए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। पद्मावत 25 को शहर के कई सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। हिंदूवादी और राजपूत संगठन के लोग सिनेमाघरों पर जाकर उनके संचालकों को पत्र दे रहे हैं। इसके माध्यम से वे फिल्म को ना दिखाने का आग्रह कर रहे हैं। की भाषा शालीन मानी जा रही है। दूसरी ओर सिनेमाघरों में धमकी भरी कॉल आ रही हैं। संजय टॉकीज के मैनेजर चांद बाबू पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, जहां उसने अपने आप को करनी सेना का सदस्य बताया है। कॉल करने वाले ने कहा है कि अगर पद्मावत फिल्म दिखाई जाती है तो अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। इसी तरह की कॉल कई अन्य सिनेमाघरों में सभी को आई है। संजय टॉकीज के मैनेजर चांद बाबू ने पुलिस के अधिकारियों को पूरा मामला बताया और सुरक्षा की मांग कही है। मेरा नाम चांद है, आप किस मैनेजर संजय टॉकीज। क्या धमकी मिली, क्या फोन आया आपके पास फिल्म को लेकर? अभी दो तीन दिन पहले की बात है कि मेरे पास करीब तकरीबन 3:30 बजे की बात है कि एक टेलीफोन आया। टेलीफोन मैंने रिसीव किया, उस पर बोलता है कि आप संजय टॉकीज से बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कहना है मैं करणी सेना का सदस्य बोल रहा हूँ और आप पिक्चर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो इस पर मैंने उन्हें यही जवाब दिया। मैंने कहा कि कोई डिसाइड नहीं है, अभी पिक्चर लगती है या नहीं लगती है या आगे और बताएगा। इस पर वो कहते हैं कि अच्छा है कि आप पिक्चर ना लगाएं तो अच्छा ही है, नहीं तो मैंने कहा क्या होगा। कहने लगे इसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाएं और आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैं और मेरे प्रोपराइटर के बेटे गए थे। IG साहब से भी मिले, SSP साहब से भी मिले, SSP साहब से भी मिले। उन लोगों ने मुझे यही आश्वासन दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा फ़र्ज है और पिक्चर आप चलाइए, चलेगी पिक्चर, कुछ नहीं होगा, आपको हर चीज़ की सिक्योरिटी दी जाएगी। एक पत्र भी आपको मिला है जिसमें कहा गया है पिक्चर ना लगाएं। जी जी, कल आए थे ये लोग, करीब 15-20 लोग आए थे और ये लेटर देकर गए कि आप अगर पिक्चर में चलाएंगे तो आप खुद जिम्मेदार। वहीं SP City कुंवर अनुपम सिंह ने कहा है कि सुरक्षा का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने रात को सिनेमाघरों के मालिकों के साथ बैठक की है। कुछ संचालक धमकियां आने के बाद फिल्म ना दिखाने का मन बना चुके हैं, तो वहीं कुछ रिलीज को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि फुल प्रोटेक्शन दिया जाए फिल्म पद्मावत की रिलीज को लेकर, तो क्या आपके इस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं? जो फिल्म रिलीज होने वाली है इसके बारे में जो अधिसूचना है कि कुछ संगठनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाना संभावित है, हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। जिन जिन सिनेमा हॉलों में फिल्म रिलीज हो रही है उनके मैनेजर से अलग से हम लोगों ने मीटिंग की है, उनकी समस्याओं को नोट किया है और उनको पूरा भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहें, पर्याप्त पुलिस बल का वहां पे प्रबंध किया गया हुआ है। इसके अलावा जो विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठन है, व्यक्ति हैं, उनसे भी हम मुलाकात करके उनको भी काउंसिल कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में ही अनुपालन कराया जाएगा फिल्म की रिलीज का, तो कानून व्यवस्था के संबंध में कोई भी आने वाली प्रतिकूल परिस्थिति को हम लोग कड़ाई से निपटेंगे। आज कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया है, एक संजय टॉकीज के मैनेजर को धमकी मिली है, ऐसा उन्होंने कहा है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है और ऐसे में उनको क्या प्रोटेक्शन दिया है? यहाँ तक शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन है उसमें कोई समस्या नहीं है और कुछ सिनेमा हॉल के मालिकों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके अपनी समस्याओं से हमें अवगत भी कराया है, अपनी चिंताओं से अवगत कराया है कि उन तक कुछ लोगों ने पत्र दिए हैं और पत्र के माध्यम से संगठनों ने भी यही अनुरोध किया था सिनेमा हॉल के मालिकों से कि इस फिल्म का प्रदर्शन ना किया जाए। अगर पत्र की भाषा जो है वो शिष्ट है, मर्यादित है और शांतिपूर्ण तरीके से किसी बात का विरोध किया जा रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर कोई भी समस्या खड़ी होती है तो हम लोग इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।